गाइज, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। घर आया पार्सल और खोल के देखा पापा ने, और उसी दौरान हो गए भावुक और उम्मीद जाग उठी, क्योंकि गायब हुआ हुआ था बेटा और उसी बेटे की तरफ से आया था ये पार्सल। चलिए जानते हैं एक्चुअली में ये पूरा मामला क्या है। बहुत ही ज्यादा भावुक कर देने वाला है और काफी ज्यादा अजीब सा मामला है ये। मेरे साथ बने रहिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते हुए जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। तो गाइस, बोलते हैं कि जो बेटा और जो पिताजी रहते हैं उनका जो रिश्ता रहता है वो काफी ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे से, और हमने आपको काफी सारे ऐसे मामले भी बताए हैं जहां पर माँ बेटी है, माँ बेटी है, पर ये कुछ अद्भुत सा ही मामला है। बोलते हैं कि अगर अपना बच्चा अगर दूर भी हो जाए आंखों से तो चिंता बहुत ज्यादा सताने लगती है। ये तो बार बार ही दूर हुए जा रहे हैं। इनका नाम है रौनक। एक्चुअली रौनक 2012 में अपने घर से अचानक से ही गायब हो गए। हालांकि ये गायब होने के बाद माँ बाप ने काफी ज्यादा ढूंढा, ढूंढने के बाद परिजनों से पूछा और भी आजू बाजू मोहल्ले में पूछा, सब लोगों से पूछा, उसका इंतजार भी किया, पर वो नहीं था वहां पर। और उसके बाद रिपोर्ट वगैरह भी दर्ज करवाई गई और तभी भी कुछ भी पता नहीं चला। अचानक से 2015 में जो उनका बेटा था वो वापस लौट आया, और लौटने के बाद उसकी जो हरकतें थी काफी ज्यादा अलग नजर आ रही थी। अभी ये चीज अलग सी लग रही थी कि जब वो वापस आया तब माता पिता काफी ज्यादा खुश हो गए अपने बेटे के आने पे, पर वो कहाँ था, क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। वो लोग वैसे गुजराती बोलते हैं, उनकी भाषा गुजराती है, पर जब वो उनका बेटा वापस आया तब आने के बाद एक्चुअली वो गुजराती नहीं, वो हिंदी बोलने लग गया था, और किसी से भी ज्यादा बात नहीं किया करता था और माँ बाप के सामने बीड़ी तक पिया करता था। और उसके बाद 2015 में वो जब वापस आया तब घर पे ही रह रहा था। 2016 में वो अचानक से गायब हो गया। अभी अभी मामला सामने आया है कि उनके घर पे अभी बेटे की तरफ से एक पार्सल आया है, और पार्सल जब खोल के देखा तब पिता काफी ज्यादा भावुक हो गए और उनकी उम्मीद जाग उठी। पुरस्कार उनके बेटे रौनक ने जो जीते थे उसके बाद उनके पिताजी को पता चल गया कि एक्चुअली उनका बेटा कहीं ना कहीं सही सलामत है और कुछ अच्छा काम कर रहा है। तभी वो उस कंपनी के पास गए जहां से पार्सल आया था, वहां पर जाके अपने बेटे के बारे में पूछा कि मेरे बेटे की तरफ से आया है ये, प्लीज आप कृपया उसका एड्रेस या कुछ भी ऐसी सब चीजें बता दीजिए कि मैं उसको ढूंढ पाऊं। पहले तो वो लोग देने के लिए तैयार नहीं थे एड्रेस, और आखिरकार जब उन्होंने ये पूरा मामला सुना तब वो उनके पिता को वो सब चीजें देने के लिए वो हाँ बोल दिया। और उसके बाद जो आईडी प्रूफ था वो आईडी प्रूफ दिखाया गया, और उस आईडी प्रूफ पे एक्चुअली उस लड़के का नाम सूरज लिखा गया था, और एक एड्रेस प्रूफ भी था जो कि हरियाणा का था। उनके पिताजी वहां पर हरियाणा गए उस एड्रेस प्रूफ पे, और वहां पर पता चला कि एक्चुअली में उनका बेटा वहां पर रहता तो था पर कुछ दिन पहले 500 रुपए लेके वहां से भाग निकला है, फरार हो चुका है। ये जो मामला है काफी ज्यादा अजीबोगरीब है। कहीं पर उनका जो बेटा है वो काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, और कहीं पर उनका बेटा काफी ज्यादा बुरा भी दिखाई दे रहा है। पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो अपने माँ बाप के सामने बीड़ी तक पी रहा था, काफी ज्यादा अलग अलग बातें कर रहा था, अचानक से गायब हो जाता है, और क्या करता है और वो क्या नहीं करता है उसको भी पता है या नहीं पता, किसी को भी पता नहीं चल पा रहा है। इसीलिए सब लोग उसकी तलाश करने के लिए लगे हुए हैं, पर अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला है। कैसे अगर आप लोगों को उस लड़के का पता चले तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप लोगों ने कभी भी उस लड़के को देखा हो, कहीं पर भी देखा हो, तो आपकी मदद से शायद उनके माँ बाप उस बच्चे को दोबारा से पा पाए, और शायद अगर वो दिमागी हालत से ठीक नहीं है तो शायद उसका इलाज करवा पाए। अगर आप लोग को हमारी तरफ से जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।